लंबे अंतराल के बाद 76 भीषण संघर्षों के बाद 4 लाख से भी ज्यादा राम भक्तों के बलिदान के बाद आज ये स्वप्न साकार हो रहा है कि भव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है। और जब हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बातचीत हुई और उनका ये जो भाव आया कि भगवान राम के मंदिर में जो भी इस पुनीत काम में जो सहयोग कर रहा है उसको हमें भी सहयोग करना चाहिए, उसको भी हमें सम्मान करना चाहिए, ऐसे सम्मान समारोह में आज मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदेश गुप्ता जी से आग्रह करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। आज के श्री राम जन्मभूमि मंदिर समर्पण निधि कार्यक्रम और समर्पण निधि करने वालों के सम्मान समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय माननीय श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री विनायक देशपांडे जी, हमारे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह भिदूड़ी जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय सिद्धार्थन जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य माननीय दयानंद जी और लोकसभा के सदस्य उत्तर पश्चिम से सांसद श्रीमान हंसराज हंस जी, श्री केएल जैन जी, श्री आलोक गुप्ता जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री कुलजीत चहल जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, सभी सम्मानित उपस्थित प्रदेश के पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों, भाइयों और बहनों, आज बहुत शुभ अवसर है जब हम लोग राम काज में अपना योगदान देने का हमें अवसर मिला है, समर्पण देने का अवसर मिला है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में भव्य बने ये सिर्फ हम लोगों की नहीं बल्कि पीढ़ियों से हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी सब लोग यही चाहते थे कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में भव्य मंदिर बने और पीढ़ियों से पीढ़ियां बीत गई, संघर्ष किया इसके लिए, संघर्ष हर रूप से किया और आज हम इस समय के लिए सौभाग्यशाली हैं कि हमारे समय में जो हमारे पिताजी ने सोचा, जो हमारे पिताजी के पिताजी ने सोचा, जो हमारे पूर्वजों ने संकल्प लिया था, उनके मन में दर्द था कि भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बने, उसका सौभाग्य हमें मिल रहा है तो इससे अधिक सौभाग्यशाली कोई नहीं हो सकता जितना हम लोग हैं। जो राम नाम की महिमा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, प्रवस नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। यानी भगवान राम अयोध्यापति भगवान श्री राम जी के नाम लेते ही सभी दुखों का नाश हो जाता है, समुद्र भी खुर के समान छोटा हो जाता है, अग्नि भी शीतलता प्रदान करती है और दुष्ट लोग भी अपना स्वभाव बदलकर सरल हृदय के हो जाते हैं, ऐसे भगवान श्री राम है। और वास्तव में आज सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के अनेक देशों के अंदर आज भी भगवान श्री राम के नाम की पूजा होती है, वो चाहे इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, रूस हो, पाकिस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी भगवान राम के नाम की महिमा है। मुझे ध्यान है हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय इंडोनेशिया की यात्रा पर गए थे, वहां पर राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो थे, वहां उन्होंने रामलीला का मंचन कराया। अटल जी ने उनसे पूछा कि यहां रामलीला का मंचन आप कर रहे हैं, बोले हां,
डॉक्टर सुकर्णो जो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे, एक इस्लामिक देश के थे, उन्होंने कहा कि हाँ राम मेरे पूर्वज हैं, राम मेरे भगवान हैं, मेरी धर्म मेरी सभ्यता मेरी पूजा करने की पद्धति कुछ हो सकती है, लेकिन राम तो हमारे भगवान है, हमारे पूर्वज है। ये बात उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कही थी। आज भारत के कण कण के में व्याप्त जन चेतना के प्रतीक भगवान राम है। कहते परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम पर पीड़ा अधम नहीं कोई। मतलब दूसरों के दर्द के दुख दर्द के साथ उनका दुख दर्द समझना और काम करना, जब अयोध्या से लेकर रामेश्वरम की यात्रा भगवान श्री राम ने की, तो कोई ही चाहे वो पिछड़े हो, वानर हो, भील हो, आदिवासी हो, वनवासी हो, गिरवासी हो, उन सबको एकजुट करने का काम अगर किसी ने किया, वो प्रेरणा दी है, तो भगवान श्री राम जी ने दी है। और आज जो 492 साल का संघर्ष भारत के स्वाभिमान के प्रतीक, भारत की अस्मिता के प्रतीक और भारत के गौरव के प्रतीक भगवान श्री राम जी का मंदिर, भव्य मंदिर बनने वाला है, तो हम सब लोगों को उसमें गिलहरी का भी योगदान है, उसमें वानर का भी योगदान है। अगर वानर राज भगवान हनुमान जी ने जो सहायता और जो अपना समर्थन व्यक्त किया था उस समय, अगर वो समर्थन बड़ा था तो गिलहरी का भी योगदान भी कम नहीं था। और मैं समझता हूँ हम गिलहरी की तरह अपना योगदान भगवान श्री राम जन्मभूमि मंदिर समर्पण निधि के लिए करेंगे तो भारत के अंदर एक नया स्वाभिमान, एक नया राम मंदिर, एक नया राष्ट्र मंदिर बनेगा और नया स्वाभिमान जागेगा। भारत जिन जो विचार हमने लेकर चले थे, मैं भी अयोध्या के राम मंदिर बनने के दौरान जब आंदोलन हुआ था मैं जेल में गया था और उस समय मेरे साथ 10 10 12 12 साल के बच्चे भी उस समय तैयार थे और नारा लगाते थे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जो नारा लगाते लगाते हम लोग आज बड़े हुए हैं और वो सपना आज हम लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य संचालक जी के ने जो वहाँ जन्मभूमि का भूमि पूजन किया, इससे ज्यादा कोई खुशी की, इससे ज्यादा कोई गौरव की बात भारत के जन जन के लिए, भारत के हिंदू जनमानस के लिए हो नहीं सकती है। और आज मुझे इस बात का बहुत गौरव हो रहा है, खुशी हो रही है, सौभाग्य भी है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर समर्पण निधि के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यालय भी सौभाग्यशाली हुआ है, पवित्र हुआ है, जब हमारे गिलहरी योगदान से भी एक भव्य मंदिर में हम लोग अपना योगदान देंगे। और जो ये परिकल्पना थी कि कुछ हमारे पास जो स्मार्ट मोमेंटोज आते हैं उनको हम उन लोगों को सम्मान के रूप में प्रदान करेंगे, आप सब लोग इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी और हम दिल्ली के 13,750 बूथों में घर घर जाकर इस समर्पण निधि अभियान के कार्यक्रम में, एक संपर्क विराट संपर्क कार्यक्रम में हम सभी बड़े जोरदार तरीके से जुड़ेंगे। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करते हुए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद करते हुए मैं एक बार अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की जय, श्री राम जय, जय श्री राम, धन्यवाद।